ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सुल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 14 मार्च के ईश्वरी वरदान की, जहाँ पे परमपिता परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम दिव्य बुद्धि के द्वारा हर चीज़ को पहचानें, हर चीज़ में अपने कर्मों को सुधारें और हम आगे बढ़ते रहें, और जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दिव्यता के द्वारा ही सॉल्व करें। तो देखिए, परमात्मा टॉपिक में कहते क्या हैं, टाइटल में परमात्मा कहते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भवा। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भवा। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है, बल्कि जैसे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, जिस कहते हैं इनलाइटनमेंट या आत्मानुभूति या आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, जहाँ पर हम आत्माओं की चेतना जगती है। वैसे तो हम आत्माएँ बिल्कुल जब कलयुग में होती हैं तो परमात्मा की जो पहचान नहीं होती है और स्व की पहचान नहीं होती, तो हमें कहते हैं मरी हुई आत्मा। आत्मा मरती तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान होता है, जो चेतना होती है, जो खुशी, जो सुख होता है, वो मरा हुआ होता है। तो जैसे हमें ये ज्ञान मिलना शुरू होता है, आस्ते आस्ते चेतना बढ़ती है, आत्मा जगना शुरू होती है, उसी कहते हैं नया जीवन मिलना या नया जन्म मिलना। तो जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं, मतलब कि अब पता चल जाता है कि सही तरीका सोचने का क्या है, क्योंकि परमात्मा ने बताया है, और गलत तरीका सोचने का क्या है, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, हमारे अंदर पहचान आ जाती है, तो ये वरदान एक प्रकार का हमें प्राप्त हो जाता है। वो जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं। सफलता किसमें? अच्छे कर्म करने की सफलता। इसमें ये जरूरी नहीं कि लोग जो सोचते हैं कि सफलता का मतलब होता है कि धन संपत्ति मिलना, पोस्ट पोजीशन मिलना, सिर्फ उसी चीज़ को सफलता नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी कार्य करते हुए, चाहे छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खुशी है, सुख है, और आजू बाजू जिनके साथ में मिलकर आप कार्य कर रहे हैं, अगर वो भी खुश हैं और आपसे संतुष्ट हैं, तो आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि आपने दिव्यता इस्तेमाल करी है। नहीं तो आज तो कलयुग में कहा जाता है कि औरों को दबा करके आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो दिव्यता नहीं हुई। परमात्मा कहते हैं इसमें किसी भी कार्य को सफल करना है तो साथ में मिल करके करना है सफल, ताकि हर किसी का नाम आए उसमें, यानी कि सिर्फ मेरा नाम आए। वो कलयुग की तरीका हो गया। तो परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं, कि कोई भी अपवित्र कार्य हो रहा हो, गलत तरीके से कार्य हो रहा हो, तो उसको भी वो अपनी सोच से, अपने बोल, अपने कर्मों से उसको दिव्य बनाने की कोशिश करते हैं। वे हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। कोई भी बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, उसमें क्या, वो कभी अपवित्र चीज़ देखती नहीं है, हर एक के अंदर वो अच्छाई देखती है, हर एक के अंदर वो परमात्मा की छवि को देखती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। कोई भी अगर अदिव्य कार्य कर रहा हो, देख रहे हो अदिव्य कार्य करते हुए या सुन रहे हो, तो उसका असर ऐसी आत्माओं पर पड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने किसकी डोर पकड़ ली है, परमात्मा पिता की डोर पकड़ के रखी होती है उन्होंने। तो आज का ये ईश्वर वरदान, अगर आपको भी सीखना है कि किस तरीके से हम दिव्यता को इस कलयुग की दुनिया में इस्तेमाल कर पाएँ और फिर भी हम आगे बढ़ पाएँ, तो उसके लिए आपको साप्ताहिक कोर्स ब्रह्म कुमारी से करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप पता कर सकते हैं ब्रह्म कुमारी की वेबसाइट पे। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब, तो उसमें www.brahmakumaris.com अगर आप भारत में हैं, या .org अगर आप विदेश में देख रहे हैं, तो आप जा करके उस पर पता कर लें आपके सिटी में, आपके शहर में कौन सा एक सेंटर है, जहाँ पे आप जाकर के साप्ताहिक कोर्स निःशुल्क कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।